लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बड़ी खबर, कुरकुरे खाने वाले ये खबर अवश्य पढ़ ले वरना पढ़ सकते हैं मुसीबत में। नमस्कार दोस्तों, हाई टेक न्यूज की दुनिया में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने शीर्षक में सही पढ़ा है। दोस्तों हाल ही में अभी पेप्सी को इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर और गूगल से 2.1 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। इन कंपनियों पर पेप्सी को ने आरोप लगाया है कि उसके एक नमकीन उत्पाद कुरकुरे को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे उसको काफी नुकसान हुआ है। पेप्सी को ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा है कि उसके स्नैक कुरकुरे को लेकर काफी लंबे से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बोला जा रहा था कि इसको बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। यदि कोई व्यक्ति कुरकुरे को जलाएगा तो फिर उसमें से प्लास्टिक के कण निकलेंगे। दोस्तों पेप्सी को ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इन सोशल मीडिया कंपनियों से हर्जाने मांगा है। याचिका दायर करने के बाद अब सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांग रही हैं कि उन्होंने इस बात की जानकारी कहां से मिली कि कुरकुरे में प्लास्टिक है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक और ट्विटर ने ऐसे पोस्ट करने वाले यूजर्स की पहचान करनी शुरू कर दी है और उन्हें मैसेज भेजकर बताया है कि उनके अकाउंट की डिटेल सिविल सूट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। और पेप्सी कंपनी का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया में पोस्ट और वीडियो को जरिए ऐसे झूठे दावे किए गए हैं कि कुरकुरे में ज्वलनशील प्लास्टिक है और लोगों के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों आप भी इस तरह की कोई भी झूठी जानकारी पोस्ट न करें वरना आप बुरी तरह से मुसीबत में पड़ सकते हैं।